Hello, hi everyone. How are you today? This is Dr. Paramjeet. You're watching Dr. Education, and we are live from Ludhiana. Yes, it's been a traveling day, and right now I'm in Ludhiana and I've stopped for rest. किसी रिलेटिव के यहाँ रुके हैं, सो मैं सोचा लाइव कर लेते हैं. सो हियर वी आर, एंड दैट्स गुड. द फर्स्ट फ्यू पीपल हु आर कमिंग इन आर एक्चुअली लाइकिंग द वीडियो बिफोर दे कम. ये बहुत अच्छी गल है. रेहान जी, प्रियांशु जी एंड शफादु खान, शफाउद्दीन खान जी, हाय. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच. महेश चौधरी जी, हेल्थ फिस्ट, पंकज हेल्थ फिटनेस, IBS का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं पंकज जी. वीडियो एडिट करता हूँ, मेटाबॉलिक का वीडियो बन चुका है, एडिट करके डालना है बस. एंड IBS का ट्रीटमेंट पंकज जी को बता देते हैं. पंकज जी, IBS का ट्रीटमेंट देखिए, एक तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया ना, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ बोथ और ऑटो इम्यून, और ऐसी बीमारियों का इलाज एक्चुअली बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा चलता है. कुछ दवाएं आती हैं, स्पेशल दवाएं, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी हो गई, कुछ एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिंस आती हैं जो इनके लिए दी जाती हैं. बट इसमें डायग्नोसिस से ज़्यादा, जैसे मैंने ट्रीटमेंट से ज़्यादा डायग्नोसिस मैटर करता है. सो आपको जाना होगा एक गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास, जिस जो कि आपका प्रॉपर पहले डायग्नोसिस करेगा कि IBS ही है कि IBD है, कि कोई सीलिएक डिजीज़ है कि क्रॉन्स डिजीज़ है, मतलब वो तो उसमें आ गया बट है. सो डायग्नोसिस पहले कराइए और फिर ट्रीटमेंट मैटर करेगा. ट्रीटमेंट में फुल लाइफस्टाइल चेंज होगी. अभी मेरा एक वीडियो आया था क्रॉन्स डिजीज़ का, सो वो देख लीजिए और उसकी लाइन पे थोड़ा चलिए. बहुत सिमिलर है थोड़ा ट्रीटमेंट. और अभी अल्टरसरेटिव कोनाइटिस का वीडियो आएगा, वो भी बन चुका है, बस एडिटिंग करनी बाकी है. IBS का वीडियो भी नहीं बना है बट विल मेक इट. ओके, सो ट्रीटमेंट मैं सारा उसमें डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उसमें मेडिसिंस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं. पिछले कुछ लाइव्स में मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, तो आप वो लाइव्स देख के उसके ट्रिप्स देख सकते हैं. एट द मोमेंट आई कैन टेल यू दैट ईट द फूड विच यू कैन ईट सेफली. जो फूड आपको पता है आपको दिक्कत नहीं करते, आप वो खाने जम के खाइए. जो पता है जो दिक्कत करते हैं वो खाना अवॉइड करिए. ओके, कपिल मलिक जी पूछ रहे हैं मेटाबॉलिज्म पे वीडियो, जैसा मैंने बताया मैं बता दूंगा. शुभम शुभम जी के लिए हेलो. और गोविंद चौधरी जी, सर वे प्रोटीन से जॉन्डिस होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है. अगर आपको वे प्रोटीन खाने के बाद जॉन्डिस हो रहा है, तो आपने जिससे वे प्रोटीन लिया आप जाके उसको बोलिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिलावट हुई है, वहाँ पर वे प्रोटीन के ऊपर कुछ डाला गया है. जैसे दूध में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ख़राब दूध पी के कई लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो दूध में कुछ मिलावट जाता है, वैसे ही वे प्रोटीन में कोई ख़राबी नहीं है, प्रॉब्लम इंसानों में है जो कुछ मिला देते हैं उसमें, राइट. उससे लिवर ख़राब होता है, लिवर ख़राब से जॉन्डिस, मतलब लिवर में अगर हेपेटाइटिस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो जॉन्डिस होता है. कैरी मिनाटी, आई सपोज ये ओरिजिनल वाला कैरी मिनाटी तो नहीं है भाई साहब. कैरी मिनाटी जी के फ़ैन हैं, वेलकम, बहुत अच्छी बात है. कैरी मिनाटी जी पूछ रहे हैं इज़ मोडानाफिल गुड फॉर स्टडीज़? बिल्कुल भी नहीं. ये नई टेक्नोलॉजी भाई साहब, पढ़ाई के लिए दवाई, खाने के लिए, भूख लगने के लिए दवाई, बॉडी बनाने के लिए दवाई, मतलब क्या नींद के लिए दवाई, क्या चाह रहे हो, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए दवाई. नेचुरल प्रोसेस नेचुरली होते हैं, स्टडीज, नॉलेज, ये सब नेचुरली होते हैं. इन सब चीज़ों के लिए दवाई नहीं होती, इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, है ना. फिर बोलोगे सर घोड़सवारी की दवाई दे दो, है ना, मैं दवा खा लूँ, घोड़सवारी सीख लूँ, ऐसा थोड़ी होता है. गाना गाने की दवाई दे दो, मैं सिंगर बन जाऊँ, मॉडलिंग आ जाए, ऐसा नहीं होता यार. स्टडीज़ आर समथिंग जो आप अपने माइंड को एकाग्रत करके धीरे धीरे लर्न कर सकते हो. ऐसी कोई दवा नहीं आती जो आपकी, वो सब बकवास है. लोग बोलते हैं कि आपकी माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ये बढ़ाए, देखो कुछ चीज़ें हैं, अगर डर लग रहा है, कोई बीमारी है, तो वो बीमारी को ठीक करने से ज़रूर कुछ होता है, लेकिन बीमारी के बगैर ऐसी कोई दवा नहीं आती जो स्टडीज़ में आपकी हेल्प करे, राइट. होम्योपैथिक की दवाई हमने भी बचपन में खाई थी, पता नहीं क्यों माता पिता दे देते हैं, पर उसका कोई असर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 10 लोगों ने खाई, 10 में से कोई एक दो ही भाई आगे बढ़ते हैं, तो 10 के 10 आगे बढ़ने चाहिए फिर तो, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता. अच्छा जी, प्रियांशु जी को हेलो, और आमरीन जी को हेलो, और कुलदीप जी को हेलो. कुलदीप जी कह रहे हैं मुझे ट्रीटमेंट
टेमिंग और एनर्जी लेस बॉडी, मुझे टेमिंग और एनर्जी लेस बॉडी है। बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आपको खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली खाना पड़ेगा। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एनर्जी लेस बॉडी का है हाई और सिंपल कार्बोहाइड्रेट। होता क्या है, एक सिंपल बात बताता हूँ आप सभी को, आप सब एक 350 लोग आए हुए हैं और 22 लोगों ने जिन्होंने लाइक किया है, स्पेशली 22 लोगों को मैं बताता हूँ, लाइक भी कर दो। मतलब बात ऐसी है कि जो आप खाते हो, खाना खाते हो, अगर आप मान लो सिंपल कार्ब्स खाते हो, सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं, तुरंत एब्जॉर्ब होते हैं और तुरंत एब्जॉर्ब होके वो तुरंत शुगर खून में जाते हैं और तुरंत आपकी शुगर स्पाइक होती है। शुगर स्पाइक होगी तो इंसुलिन स्पाइक होगा, मतलब खाना खाया एक घंटे के अंदर इंसुलिन स्पाइक। सोचो, यानी सुबह 9 बजे खाना खाया मस्त बढ़िया, या दोपहर में 2 बजे लंच किया मस्त बढ़िया, एक घंटे में होगी स्पाइक। और वो स्पाइक क्या करेगा फिर, वो मतलब 3 गुना स्पीड में आपकी शुगर को खून से निकाल के सेल्स में ले जाएगा और सेल्स भर देगा। सेल्स के जैसे ही सेल भर गए, वैसे ही वो एक्स्ट्रा शुगर्स को निकाल निकाल के वो फैट बना देगा इंसुलिन स्पाइक। तो अब क्या हुआ, विद इन फ्यू आवर्स, 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपके शुगर्स आपके ब्लड में से या तो सेल में चले गए या तो फैट बन गए। अब आपके शरीर में हो गई शुगर की कमी। इसीलिए जब आप सिंपल कार्ब्स खाते हैं तो आपको एनर्जी लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है और 3-4 घंटे के बाद आपको लगेगा कि यार अब तो नींद आ रही है। प्लस खाना इंसुलिन स्पाइक इटसेल्फ आपको नींद स्टिमुलेट करती है, तो आपको तब भी नींद आती है, तो इमीडिएट बाद में तो नींद आई आई, साथ में उसके बाद एनर्जी कम होगी फिर नींद आई। सो इस वजह से प्रॉब्लम इज डाइट में सिंपल कार्ब्स खाना। सो सिंपल कार्ब्स को अगर आप स्विच कर देते कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, तो आप देखेंगे कि वही 3-4 घंटे की जगह वो एनर्जी चलती है 7-8 घंटे तक, समझ रहे हो। तो और फिर अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब को हर 6 घंटे में 4 घंटे में खाते हो तो वो 7-8 घंटे, क्योंकि 1-2 घंटे तो 1 घंटा तो लगता ही है एब्जॉर्ब होने में, 1-1.5 घंटा। सो 6 घंटे में खाया तो 8 घंटे में फिर आपके पास वो एनर्जी आ जाती है। सो यू विल नेवर फील एनर्जी लेस, राइट। वन ऑफ द रीजन इज दिस, सी आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग हम निकले हैं। हम पहले गए चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से अमृतसर, अमृतसर में हम रात को पहुँचे, रात को वहाँ पे रेस्ट करके सुबह वहाँ से निकले हैं, वहाँ से पूरा पूरा दिन घूम के अमृतसर ये वो करके अब लुधियाने पहुँचे। अब भी आपसे बात करें, अब भी मुझे रात में निकल के दिल्ली वापस जाना है, एंड आई हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे, राइट। एनर्जी लेस हमें नहीं होना चाहिए, एनर्जी लेस तभी होता है जब आप सही देखभाल नहीं करते बॉडी की, राइट। खैर, आई एम नॉट गिविंग सच अ थिंग, बट पॉइंट समझिए। इसके अलावा डाइट ख़राब नहीं है, आप डाइट सही ले रहे हैं तो फिर कोई बीमारी है, बीमारी के लिए टेस्ट कराइए, हेल्थ चेकअप कराइए, डॉक्टर से एग्जामिनेशन। नीरू जी को हाय, स्वस्थी चैनल कह रही है ड्राई स्किन को बेस्ट सोप। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट सोप है नो सोप। जी हाँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट सोप है नो सोप। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है 2 चीज़ें। नंबर 1, एक तो आपको चाहिए सॉफ्ट पानी, एक तो होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर इज़ बेस्ट फॉर ड्राई स्किन, राइट। हार्ड वाटर में बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सो दैट एक्चुअली टेक्स अवे द ड्राइनेस ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द स्किन। सो सॉफ्ट वाटर है कि ड्राई वाटर है, ये तो पता करने का तरीका आपको मिल जाएगा कई जगह पे, लेकिन अल्टीमेटली हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट करने का तरीका है, आप उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, फिर उससे नहाएं, और या फिर वो सी सॉल्ट्स वॉल्ट्स भी डाल सकते हैं, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो चाहिए आपको, वो चाहिए कि अपने साबुन, अपनी बट्टी, अपने घर में पड़े साबुन को उठा के फेंक दो और यूज़ करना शुरू करो व्हाट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड सोप। लिक्विड सोप से होगी आपकी स्किन सॉफ्ट। और दिन में 2 बार लगाइए मॉइस्चराइजर। ड्राई स्किन का मेरा वीडियो देखिए, ड्राई स्किन बाय डॉक्टर एजुकेशन, स्किन केयर में नीचे लिंक दिया होगा, स्किन केयर में प्लेलिस्ट है। विनोद पांडे जी को बोल देते हैं हेलो। बेबी हैज़ कफ फॉर फ्यू वीक्स, बच्चा कितना छोटा है इस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे को कफ है, ड्राई कफ है, तो डोंट वरी, प्रोडक्टिव कफ है तो भी कई दफ़ा बच्चे को हो जाते हैं ऐसा। बच्चे को इस वक्त 2 ही चीज़ें मैटर करती है, अगर बहुत छोटा है कि उसके चेस्ट में क्रैप्स, यानी चेस्ट में आवाज़ें सही आ रही हैं या नहीं, ये बच्चे को डॉक्टर जाके देख सकते हैं स्टेथोस्कोप लगा के। अगर उनके छाती में खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, मतलब छाती भरी है, अगर छाती भरी है तो फिर आपको थोड़ा सा हैवी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, राइट। उस समय फिर सिर्फ नेबुलाइजेशन या सिर्फ भाप या सिर्फ 1-2
स्प्रे से काम नहीं चलेगा। तो आप एक बार पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, अगर उन्हें लगता है एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो एंटीबायोटिक देंगे, नहीं तो फिर जो मैंने अभी बताया नेबुलाइजेशन या फिर सिंपल लिवोसिट्रिजिन जैसी दवाएं भी वो देते हैं। वो ये बच्चों का मामला है, बच्चों के मामले में खुद दवाएं ना दिया जाए तो बेहतर है, एक बार पीडियाट्रिशियन को दिखाना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी रिसेंटली ही हमारे मेरे खुद के बच्चे को होता तो उनको हमने वही एक तो लिवोसिट्रिजिन सिंपल हम देते हैं और हम देते हैं नेबुलाइजेशन, कभी कभी लिवोलिन का नेबुलाइजेशन देते हैं। बच्चों में डोसेज कम होता है, 0.3 का होता है, तो वो नेबुलाइजेशन भी कई लोगों को बच्चों को घर में भी देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कई बच्चों को रेगुलरली देना पड़ता है तो छोटी सी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन करके हॉस्पिटल का बिल इतना बढ़ाया नहीं जाता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो इस तरह आप अपने बच्चे का केयर करिए। इस बीच बच्चों का सबसे ज़रूरी है खाना पीना लैट्रिन और पेशाब। खाना पीना वो खा रहे हैं, पेशाब सही आ रहा है, लैट्रिन सही आ रही है, पानी सही से पी रहे हैं, इस चीज़ों का ध्यान रखें बस। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी कोई भी एक चीज़ सही नहीं हो रही, वो भी एक इंडिकेशन है डॉक्टर के पास दौड़ के जाने का। ओके, तरुण जोत जी हाय, एंड धनन जी, धना जी लाड, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग योर वीडियो गाइस। एंड धना जी बोल रहे हैं सर प्लीज़ सजेस्ट मेडिसिन फॉर रोजेसिया। रोजेसिया के लिए मेडिसिन, सी इट्स अ स्किन प्रॉब्लम, आई वुड एडवाइज डॉक्टर ही बताएं, डर्मेटोलॉजिस्ट। और फिर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये एक लाइव सेशन है एजुकेशन के लिए। जैसे किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ, मैं किसी की दवा मैं यहाँ नहीं, मैं लाइव क्लिनिक नहीं खोल रखा है और मैं लाइव क्लिनिक नहीं खोल सकता। इट्स इलीगल, इट्स अनएथिकल, इट्स नॉट गुड, राइट। जैसे कुछ कॉमन दवाएं हैं जो ओवर द काउंटर है मैं बता सकता हूँ, पर रोसेसिया या स्किन प्रॉब्लम्स की कई स्पेसिफिक दवाएं होती हैं जो एक में दी जाती है दूसरे में नहीं दी जाती, और कई दफ़ा कुछ दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। सो ये जैसी चीज़ें हमेशा मैं स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के या खुद देख के ही दवा देना प्रेफर करूँगा, ठीक है धना जी। सो आपके लिए मेरी एडवाइस होगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ और एक बारी उनसे दवा ले लो। तब तक के लिए आप डाइट और पानी पे ध्यान दो, पानी ठीक से पियो, डाइट सही खाओ। उसके लिए आइडिया डाइट या डैश डाइट का वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। सोबिया डॉल, हेलो सर, हेलो कर देते हैं सोबिया डॉल जी के लिए। प्रांजल कुमार, गुड इवनिंग प्रांजल जी। एंड राघव चौधरी, सर प्लीज़ नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएं, कैसी कोई प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल भी नहीं, I'm so sorry, बिल्कुल भी नहीं, नेवल डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और नेवल को पूरी तरह से निकाल भी दिया जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। नेवल इज़ नॉट अ organ, it doesn't have any specific function, उसका कोई displacement का कोई medical significance नहीं है। मोटे लोगों का navel नीचे चला जाता है displace होके, पतले जैसे होते हो navel ऊपर आ जाता है, navel किसी का सिकुड़ जाता है, किसी का फैल जाता है, किसी का बाहर आ जाता है, pregnant लोगों का ऐसे गुब्बारा जैसे बढ़ सकता है। सो navel displacement नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपकी पूरी लाइफ में navel इस तरह से ऊपर नीचे हिलता रहता है। सो प्लीज Do not worry about navel and navel's the displacement. Okay? Then, देख लेते हैं एक बार कितने क्वेश्चन हो गए। हेलो कर देते हैं वीनू गोपाल जी को, एंड सत श्री अकाल टू अमन ढिलकू जी, एंड ब्लैक टाइगर इज अगेन हेयर। ब्लैक टाइगर जी हेलो, दीक्षित जी को भी हाय, और विशाल जी को हेलो। हेलो सर, हाउ टू रिमूव डार्क स्पॉट्स फ्रॉम फेस? सी, डार्क स्पॉट्स रिमूव करने के लिए एक अलग से हमारा वीडियो ऑलरेडी है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो नीचे जाके बिल्कुल देखें। नीचे मेलेस्मा करके या स्किन करके इशू होगा, स्किन वाले में बढ़िया से उसका दिया हुआ है प्लेलिस्ट, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और डार्क स्पॉट्स में बेसिकली कारण देखना बहुत ज़रूरी है, एलर्जी से लेके एक सिंपल हाइपर पिगमेंटेशन, सन एक्सपोजर, राइट, क्या नाम है, इन्फ्लामेशन, चोट, या क्या नाम, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सो वी हैव टू सी कि क्या रीज़न है, राइट, डार्क स्पॉट का, उसके बेस पे ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। तब तक के लिए कुछ क्रीम्स भी मैंने उसमें बताई है, एक्सपेरिमेंट खुद ना करें तो बेहतर होगा, ट्राई कर सकते हैं लेकिन एट योर ओन रिस्क, उसमें कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, राइट। सो अब तक हमने आई थिंक 9 टोटल 9 क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे और फिर रैंडम क्वेश्चन लेंगे। वसीम जी का क्वेश्चन ले रहे हैं, ग्लाइकोसिक्स
ग्लाइकोसिक्स प्लीज़ टेल मी आई एम यूजिंग इट ग्लाइकोसिक्स आई एम थिंकिंग इट इज़ ग्लाइकोलिक एसिड 6% इफ आई एम नॉट रॉन्ग इफ़ इट इज़ दैट एंड आप ग्लाइकोलिक एसिड 6% यूज़ कर रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं बट आपको देखना होगा कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है ग्लाइकोलिक एसिड इज एन एसिड इस एसिड से बेसिकली माइल्ड एक्सफोलिएशन भी होता है पोर्स छोटे दिखने लगते हैं फेस पे एक अच्छा इफेक्ट भी आता है मल्टीपल एक्शन है ग्लाइकोलिक एसिड से तो इट्स गुड इट कैन बी यूज सेफली ऑल्सो बट आपको देखना होगा आपकी स्किन कितनी उसको एक्सेप्ट कर रही है अगर एक्सेप्ट कर रही है तो डेली भी यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं एक्सेप्ट कर रही तो हफ्ते में एक बार दो बार यूज़ करके देखिए या फिर आपको ग्लाइकोलिक एसिड कई बार बदलना भी पड़ सकता है अप टू बैक टू बेंजोइल परोक्साइड या लैक्टिक एसिड राइट सो लिसन टू योर स्किन एंड ट्राई यूज़ करके देख सकते हो फॉर एक्नी फॉर नॉर्मल स्किन केयर फॉर पीलिंग भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट इज़ गुड 6% इज़ गुड लोएस्ट डोज यूज़ करना चाहिए हमेशा ओके देन एक क्वेश्चन ये वाला लास्ट ले रहे हैं उसके बाद फिर हम रैंडम क्वेश्चन लेंगे और फिर इंस्टाग्राम पे देवसीज जेना आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी आई हैव कोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम गॉल ब्लैडर हैज नथिंग टू डू विद कोल्ड एंड नथिंग टू डू विद इम्यूनिटी नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दीज थिंग्स कोल्ड ज़्यादा हो जाना एक ही चीज़ पे हो सकता है कि अब आफ्टर गॉल ब्लैडर आपका डाइजेशन कम हो गया डाइजेशन थोड़ा कम हो गया है कुछ खाना कुछ फैटी चीज़ें आपकी एब्जॉर्ब कम होगी तो फैट सॉल्युबल विटामिंस कम होंगे ये लॉजिक ज़रूर हो सकता है सो ए डी ई के राइट विटामिन की ई और के का रोल है थोड़ा सा और डी का रोल है आपकी इम्यूनिटी में आपके कोल्ड प्रिवेंशन में स्किन में सर्दी में सो बी और सी तो ऑब्वियसली डेली बेसिस पे लेने होते हैं तो आपकी विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से आपको कोल्ड हो रहा है सो एक बार अपना विटामिन चेक कराइए और जो डेफिशिएंसी उसको पूरा करिए आपको यह ठीक हो जाएगा तब तक के लिए कोल्ड का हमारा वीडियो देखिए कोल्ड बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए हमारा वीडियो आ जाएगा उसमें कुछ बताए गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि कोल्ड कैसे होता है क्यों होता है और उसको कैसे ठीक करना है कैसे प्रिवेंट करना है वो देख के वो सारे स्टेप्स फॉलो करिए सो ये हुआ 3-4 रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं अंकित श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन आ गया है रैंडम में सिलेक्शन सर मेरा ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है और मैं 32 साल का हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं रहता क्या मेडिकेशन ज़रूरी है बिल्कुल भी नहीं जनाब 32 साल की उम्र में 140/90 मैंने आज तक दवाई नहीं दी मैं बल्कि 140/90 32 साल के बंदे की दवाई मैं बंद करवा देता हूं मतलब चाहे वो 10-4 दवाई ले रहा हो डिपेंडिंग अपॉन इमीजिएटली तो नहीं करते हम कोशिश करते हैं 2 महीने की जिस टाइम आप लास्ट वीडियो देख लेंगे उससे पहले आप ये बात याद रखिए पेन और पेपर लेके उसमें सारी जितने भी पॉइंट्स बताएं वो सारे फॉलो करेंगे तो 2 महीने के अंदर जिनकी दवा भी चल रही है 140/90 वालों की दवा आधी हो जाएगी आराम से आगे चल के बंद हो जाएगी सो देर इज़ अ वे टू हैंडल योर ब्लड प्रेशर राइट एंड देर इज़ अ वे ऑलवेज सो इस उम्र में इस ब्लड प्रेशर पर दवा मत खाइए बल्कि पहले कन्फर्म करिए आपको हर में इस ब्लड प्रेशर पर दवा मत नहीं तो इसलिए भी ले रहे हैं ब्लड प्रेशर 4 बार लीजिए और 4th बार जो कम से कम आएगा वो आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर है पहली बार नहीं पहले वाले में तो हाई रहता है तो इसीलिए होता है देखो हाथ भी थक गया मेरा पकड़ पकड़ के अब देखते हैं नेक्स्ट एक हम ले रहे हैं ओके पीरियड्स में डेली रिव्यू जी पूछ रहे हैं पीरियड्स में नेक एंड शोल्डर पेन वेरी बैड पीरियड्स में पेरीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है इट्स अ साइन ये होता है सब में होता है किसी को पेन होता है किसी को पेट में दर्द होता है किसी को नौजिया होता है किसी को वॉमिटिंग होती है किसी को सर में दर्द होता है सो दिस हैपन्स द मोर यू हैव कोई ना कोई डेफिशिएंसी कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज़ प्रोटीन की कमी वाइटामिन की कमी राइट ये सब ज़्यादा होगा सो असेस योरसेल्फ एक बार फिर शोल्डर नेक पेन वेरी बैड मस्कुलर पेन की तरफ इशारा करता है मस्कुलर पेन विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करता है कैल्शियम डेफिशिएंसी विटामिन बी डेफिशिएंसी सो ये पहले चेक करिए ये फर्स्ट स्टेप है राइट कोई भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलता है पहले मोस्ट कॉमन वो नहीं है तो सेकेंड फिर वो नहीं है तो थर्ड सो पहले मोस्ट कॉमन पे अटैक करो यू विल गेट योर सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर सेकेंड पे जाएंगे राइट थर्ड लास्ट क्वेश्चन और सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर सेकेंड पे जाएंगे राइट थर्ड लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम अभी फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग सो बॉडी बिल्डिंग वाले हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं थैंक यू सो मच हाउ डज प्रोलॉन्ग फास्टिंग हेल्प इन क्रिएटिंग कीटोसिस आई मीन कीटन्स तो नहीं बोला होगा इन्होंने कीटोसिस ही बोला होगा कीटोन्स क्या होता है एंड बर्न लिपिड फैट सो दे कैन बी
रिस्टोर्ड अगेन इन द मसल. हैं, हाउ डज प्रोलॉन्ग फास्टिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग कीटोन्स, कीटोन्स होगा केटॉन्स, केटॉन्स एंड बर्न लिपिड फैट सो दे कैन बी रिस्टोर्ड इन द मसल. सी, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग गलत है इसमें. जब फास्टिंग होती है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो या नहीं फास्टिंग हो, तो आपकी बॉडी में एक्चुअली जो ब्लड का शुगर है वो हो जाएगी कम, राइट? खाना नहीं खाया, ब्लड शुगर हो गई कम. सो अब आपकी बॉडी जो है, बॉडी का उद्देश्य है कि ब्लड शुगर उसको मेंटेन करके रखनी है 120 के आसपास, राइट? कभी या तो 80 होगी, लेकिन वो काम करता रहेगा 120 बढ़ा तक लाने में. सो वो कैसे करेगा? वो अब बाकी आपके स्टोर्ड फैट को इस्तेमाल करेगा, आपके पास में फैट को यूज़ करके एनर्जी बनाएगा, एनर्जी वो यूज़ करेगा, और थोड़ा बहुत प्रोटीन यूज़ होता है ग्लूकोज बनाने में. सो फैट से एनर्जी बनती है, प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से, राइट? और दोनों से थोड़े मात्रा में डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल इन्हें आपको एनर्जी मिलती है. तो तब फास्टिंग में आपकी बॉडी एक्चुअली फैट्स का इस्तेमाल कर रही है एनर्जी के लिए. इसीलिए एक लेवल ऑफ फास्टिंग के बाद आपकी बॉडी ने पहले हफ्ते, जैसे मैंने बताया था, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, चार फेजेस हैं, चौथे फेज तक आपको नहीं जाना है क्योंकि आप वापस नहीं आ पाओगे. इट्स अ फेज ऑफ डेथ, राइट? सो फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ वन बेसिकली होता है ये फास्टिंग वाला, और सेकेंड फेज होता है लिपिड्स वाला, फैट वाला. तो फेज़ टू में यूज़ होता है फैट्स, और फैट से आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं भरता. आपकी फैट्स उस समय सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि जब तक आप शुगर नहीं खाते तब तक आप जिंदा रह पाओ. सो फैट से डायरेक्ट एनर्जी बनती है, राइट? बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उससे आपको एसिटल कोएंजाइम ए मिलता है जो कि डायरेक्टली आपकी साइकिल्स में जाता है, राइट? बेसिकली वो. सो फैट से कार्बोहाइड्रेट्स उसमें डायरेक्टली इस तरह से नहीं बनते, ओके? सो दे डोंट गो अगेन इन द मसल, योर मसल्स आर नाउ यूजिंग दिस फैट्स फॉर एनर्जी. सो ये हुआ सवाल का जवाब. इसके लिए आप हमारा ये जो नया वीडियो आया था फास्टिंग वाला, वो देख सकते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे था. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे. अभी मैं इंस्टाग्राम वालों पे मिलता हूँ. इंस्टाग्राम पे अगर कोई मेरे को फॉलो करता है तो उनके सवाल जाके मिल सकते हैं. 19 रुपये, ये क्या था? ये किसने 19 रुपये भरे भैया? ये क्या हो रहा है? एक बार देख लूँ, ये पैसे वैसे कहाँ से आ गए इसमें? 19 रुपये, इसमें पैसे भी डाल सकते हैं क्या? ये तो मुझे पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये है क्या चीज? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही भैया. सुपर चैट, वीनू गोपाल जी ने हमें सुपर चैट करी है, इन्होंने भेजा है 20 रुपया. मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसका करना क्या है. क्षमा करें वीनू जी, मुझे एक्शंस, गो टू चैनल, रिपोर्ट, रिमूव, पुट यूजर इन टाइम आउट, हाइड यूजर. सॉरी, इसमें करते क्या है? वीनू गोपाल जी, हाय सर, गायनेकोमेस्टिया. वीनू गोपाल जी का क्वेश्चन है गायनेकोमेस्टिया, और उन्होंने ऊपर आने के लिए 20 रुपये दिए. पता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं थी वीनू गोपाल जी, लेकिन थैंक यू. पता नहीं ये कौन सा नया सिस्टम है, मुझे इसका आइडिया नहीं है. और मुझे इसमें पता भी नहीं है कि इसमें कैसे होता है. सो फिर भी मैं बता देता हूँ वीनू गोपाल जी, गायनेकोमेस्टिया के लिए कोई दवाई नहीं आती, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई बिकॉज वो ब्रेस्ट टिश्यू है, वो फैट नहीं है. चेस्ट में कोई फैट नहीं होता, राइट? फैट हर जगह होता है, लेकिन वो चेस्ट फैट नहीं है जो निप्पल के नीचे, वो गायनेकोमेस्टिया है. बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस से है. आपको अगर लेना है तो आप DHT ब्लॉकर्स ले सकते हो, वो भी एक डॉक्टर के एडवाइस से, राइट? जो DHT ब्लॉकिंग दवाएँ होती हैं, लेकिन उससे आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे. सो आप पहले साइड इफ़ेक्ट समझना और फिर दवाई ट्राई करना, क्योंकि ये चीज़ इस तरह से नहीं कर सकते. और क्षमा करिए, मैं यहाँ पे आपको दवाई का नाम नहीं बता पाऊँगा, ऑल्दो मैंने कई वीडियो में, एक आधे वीडियो में बताया होगा DHT ब्लॉकर क्या होता है. लेकिन DHT ब्लॉकर भी आपको इफ़ेक्ट कम्प्लीटली नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल आपके अंदर जो एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सेटल हो. सो इट टेक्स टाइम. सो आप गायनेकोमेस्टिया का हमारा एक बार वीडियो देख लो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझसे ऐसे कंसल्ट करना चाहते हो, सो डॉकवाइज ऐप है, लाइब्रेट वेबसाइट है, इनसे आप मुझसे कंसल्ट करिए, वहाँ से मैं आपको अपनी पूरी सलाह दे सकता हूँ, मेडिकेशन के साथ, प्रिस्क्रिप्शन के साथ, राइट? ठीक है. और जिन जिनकी पिगमेंटेशन वापस आ जाती हैं, वो पिगमेंटेशन वापस आ जाती हैं, वो धूप से बचें. धूप इज़ द मोस्ट बिगेस्ट एनिमी ऑफ पिगमेंटेशन, एंड यूज़ बी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल बी कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं.
सो थैंक यू सो मच गाइज़। मैं समझता हूँ आपके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप भी समझते हैं एक लिमिट होती है। सो 25 मिनट के ऊपर इसको नहीं कर सकते। अगली बार कल तुरंत आने की कोशिश करिए, पहले 10 में आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। या फिर अभी इसी वक्त लाइव इंस्टाग्राम पे आइए, मैं इसको बंद करके इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम में पहले 10 में आइए, इंस्टाग्राम में कम लोग आते हैं, 20-30 ही लोग आते हैं, तो 10 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ फॉलो करना है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआगा, राइट। या फिर डॉक्टर डॉट परमजीत सिंह पे ढूंढ सकते हैं, या डॉक्टर एजुकेशन पे ढूंढ सकते हैं, राइट। और थैंक यू सो मच, राइट। कल का वीडियो थोड़ा लेट आएगा मॉर्निंग का, क्योंकि अभी मैं कल मॉर्निंग में जाके ही डालूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो बिफोर गोइंग, राइट। आई होप यू लाइक माई कंटेंट, आई होप यू लाइक मी, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। सून इसको बड़े लेवल पर लेके जाएंगे, ओके। Thank you guys. Bye. Good night. Take care.